हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सन 1947 से पूर्व हमारे भारत देश में कई सारी छोटी बड़ी रियासतें थी, पर क्या आप जानते हैं कि गुजरात की बड़ौदा रियासत भारत के सबसे अमीर और सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस रियासत के राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय दुनिया के 8वें और भारत के सबसे अमीर हिंदू राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में बड़ौदा रियासत का काया पलट कर रख दिया और आधुनिक भारत बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम इन्हीं के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल अपसाइड डाउन पर। दोस्तों, हमारी चैनल आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, तो आप सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। गुजरात के गायकवाड़ राजवंश की स्थापना सन 1721 में वीर मराठा योद्धा पिलाजीराव गायकवाड़ ने की थी। पिलाजीराव गायकवाड़ ने गुजरात में सबसे पहले मुगलों को हराकर तापी जिले के सोनगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। बाद में सन 1734 में दामाजीराव गायकवाड़ द्वितीय ने बड़ौदा को गायकवाड़ की राजधानी बनाई थी। महाराजा पिलाजीराव गायकवाड़ उनके मृत्यु के बाद गायकवाड़ वंश में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय सबसे महान और सबसे लोकप्रिय शासक हुए थे, जिनका जन्म 18 मार्च 1863 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक गांव में हुआ था, जिन्होंने अपने शासनकाल में बड़ौदा राज्य को एक नई बुलंदी पर पहुँचाया था और बड़ौदा राज्य का बहुत सारा विकास किया। दोस्तों, उन्होंने सन 1881 में बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस नाम की एक कॉलेज की स्थापना की थी। आगे चल के सन 1949 में उस कॉलेज का नाम महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ रखा गया, जो आज भी बड़ौदा शहर में स्थित है। उन्होंने सन 1890 में बड़ौदा राज्य में लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण करवाया। इस पैलेस का क्षेत्रफल लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ था। जब यह पैलेस बनकर तैयार हुआ था, तब यह दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा पैलेस था, जो लंदन के बैंकिंगम पैलेस से 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। इस महल में जो कुआं है, उस कुएं की सीढ़ियां बनाने के लिए राजा ने उस समय 9,00,000 सोने के सिक्के का इस्तेमाल किया गया था। यह भारत का पहला एकमात्र ऐसा महल था जिसमें पहली बार लिफ्ट का उपयोग किया गया था। और उनके साथ इस पैलेस में उस समय के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा, उनके द्वारा बनाई गई सारी पेंटिंगें मौजूद है, जिसकी एक पेंटिंग की कीमत आज के टाइम में करोड़ों रुपए है। इस पैलेस को आज भी गुजरात राज्य के पर्यटन स्थलों की टॉप सूची में शामिल किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात राज्य का सबसे बड़ा महल भी यही कहलाता है। और इसके साथ 150 एकड़ में फैला हुआ मकरपुरा पैलेस, जिसे राजा शिकार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा नजरबाग पैलेस, शिव महल पैलेस, इंदुमती पैलेस, रटा पिलास पैलेस, सरकारवाड़ा पैलेस, मोतीबाग पैलेस जैसे अनेक सुंदर और भव्य महलों का निर्माण गायकवाड़ वंश के राजाओं ने किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको विदेश भेजने वाले, उनका खाने पीने से लेकर उनका सभी खर्चा उठाने वाले दूसरे तीसरे कोई और नहीं बल्कि मराठा राजा सयाजीराव गायकवाड़ ही थे। उन्होंने उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विदेश पढ़ाई पर 25,742 रुपये खर्च किए थे, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने सन 1906 में रमेश चंद्र दत्त के सहयोग से पूरे बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षण मफत और फरजियात बनाया था। दादाभाई नौरोजी, जैसे कि आप यह बात तो जानते ही होंगे कि दादाभाई नौरोजी ब्रिटेन के संसद में चुनकर आने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। और आप जानते हैं कि इससे पहले दादाभाई नौरोजी बड़ौदा राज्य के दीवान के दौर पर काम करते थे। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव हो रहे थे, अब चुनाव लड़ने के लिए दादाभाई नौरोजी को पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। अब उस वक्त सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने 15,000 रुपये की धनराशि देकर उनकी सहायता की थी, जिसे दादाभाई नौरोजी ब्रिटेन के संसद में चुनकर आने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने। दोस्तों,
टाटा कंपनी जो दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस चलाती है। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक औद्योगिक समूह है जिनके वर्तमान अध्यक्ष है श्री रतन जी टाटा। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं कि टाटा कंपनी को खड़ा करने में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जमशेद जी टाटा जो टाटा कंपनी के संस्थापक है उनका जन्म सन 1839 को गुजरात के नवसारी जिले में हुआ था और उस वक्त नवसारी जिला बड़ौदा राज्य के अंतर्गत आता था और वहाँ के राजा थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। जब जमशेद जी टाटा अपना व्यापार शुरू करना चाहते थे तब एक भारतीय व्यापारी होने के कारण उन्हें अंग्रेजों ने काफ़ी परेशान किया। उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत थी, तब अंग्रेजों ने उन्हें कोई भी आर्थिक मदद होने नहीं दी। अभी उसी दौरान महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जमशेद जी टाटा को आर्थिक मदद की थी, जिसकी वजह से जमशेद जी टाटा को व्यापार शुरू करने में बहुत आसानी हुई। सन 1885 में सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा के लोगों को पीने का पानी मिल रहे इसलिए आजवा सरोवर की भी रचना करवाई थी। उन्होंने बड़ौदा राज्य में कमाटी बाग का भी निर्माण करवाया था जो आज सयाजी बाग से भी पहचाना जाता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सन 1887 में बड़ौदा राज्य में गुजरात की सबसे बड़ी लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना करवाई थी। उन्होंने सन 1908 में बड़ौदा राज्य में बैंक ऑफ बड़ौदा की भी स्थापना करवाई थी। और तो और बड़ौदा राज्य में रेडियो की शुरुआत कराने वाले कोई और नहीं बल्कि वो सयाजीराव गायकवाड़ ही थे। महाराजा सयाजीराव ने ना जाने ऐसे कितने स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक, लेखक, कवि, कलाकार, संशोधनकर्ता, राजकारणियों को मदद करके इन्हें एक नई दिशा दिखाई और इन्हें बड़े मुकाम तक पहुँचाया। ऐसे ही बहुत सारे नामों की लिस्ट जो बहुत लंबी है जिसे एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, फिर भी हमने छोटा सा प्रयास किया है। उस समय भारत में 500 से भी ज़्यादा रियासतें थी, परंतु स्वतंत्र सेनानियों को मदद करने वाले और उनके साथ खड़े रहने वाले महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भारत के एकमात्र राजा थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।